भाई ये तो ऊपर देख ही नहीं रहा भाई, प्रियांश भाई सुन ही नहीं रहा हमारी, रो रहा है भाई। ओ भाई ये तो रोने लगा भाई, आंसू आ गए इसकी आंखों में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ योर श्याम। गाइस आज हमारा प्लान बन गया फरीदाबाद जाने का। तो भाई अभी साइंस बिल्कुल रेडी हो चुका है, वहाँ पे भाई एक मस्त पार्क है जिसमें मस्त मस्त झूले भी हैं। तो भाई मस्त झूले भी झूल के आएंगे जिसमें गाड़ियाँ भी चलती है। पर भाई हमें प्रोग्राम में जाना है ना, इसलिए हो सकता है वो झूले बंद भी हो जाए जब तक। पर भाई कुछ भी हो झूले तो झूल के ही आएंगे। चलो तो भाई अभी विशाल को बुलाते हैं और निकलते हैं। तो गाइस अभी विशाल आ गया है और भाई फाइनली हमारे गाने की डेट भी आ गई है, अब संडे को भाई गाना आ जाएगा मस्त। मेरे को तो एक्साइटमेंट सा हो रहा है भाई, वीडियो आने के बाद पता लगेगा कैसा वीडियो बनाए, अभी तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी भाई गाना एक नंबर है, होप करते हैं आप जरूर सपोर्ट करोगे। तो गाइस अभी आ चुके हैं गाड़ी में, अभी भाई रियांश भी आ रहा है, वो भी हमारे साथ जाएगा। खाने के नाम पे तो भाई चल लेता है वो भाई, काफी देर होगी रियांश आ ही नहीं रहा। भाई साड़ी वाड़ी तो नहीं पहन रहा हो? पता नहीं यार क्या, मेरे को लग रहा है पार्लर चला गया। ये देखो भाई रियांश आ गया फाइनली, फेशियल वेशियल करवा के। भाई से इसकी मम्मी छोड़ के चली गई प्रोग्राम में, लेके ही नहीं गई। मैं स्कूल का काम कर रहा था जब एक हफ्ते से स्कूल नहीं गया ना। परफ्यूम कितना लगा के आया भाई गाड़ी में, घुटन करेगा भाई। अकेला अपनी मम्मी के बिना घर में रो रहा था, तो हमने कहा चल तुझे लेके चलते हैं, इसी के लिए स्पेशल जा रहे हैं प्रोग्राम में। परफ्यूम में ना क्या आया भाई, बड़े गंदे परफ्यूम लगा गया है नकली वाला। चलो तो गाइस जल्दी चलते हैं और भाई रियांश को पनीर खिला के लाते हैं। तो चलो गाइस चलते हैं। नखरे भतेरे सोनी नार के, हीरे आला हार मांगे से, हीरे आला हार मांगे से। तो भाई आज रियांश के साथ ना बहुत गंदा वाला पोपट कर दिया विशाल ने। हम शादी में नहीं जा रहे भाई, कहीं और जा रहे हैं, विशाल का प्लान था ये सारा। अब तो 3 दिन बाद वापस आया घर पे, अब पिटेगा अपने घर, अब कैसे रहेगा ये अपनी मम्मी के बिना। इसकी मम्मी का फोन आएगा, उठाऊंगा भी नहीं। भाई हम वृंदावन की तरफ जा रहे थे और रियांश कई दिन से आ नहीं रहा था ना, इसलिए इसके साथ खतरनाक प्रैंक कर दिया हमने। बेचारा पनीर के चक्कर में आया था। ये देखो पोपट हो गया भाई, शायद तूने बताई नहीं थी कैसे। नहीं ने प्रैंक में पूरा साथ दिया आपकी बार। अरे बेचारा पनीर नहीं खा पाएगा भाई, शक्ल देखो इसकी रोने वाला है भाई थोड़ी देर में। वो आ गए आंसू आ गए, वो सच में रोने वाला है। अबे रो क्यों रहे हैं, अच्छी जगह जा रहे हैं, पनीर करके वैसे खिला देंगे बाहर। भाई इसकी आंखें देखो, ये देखो ये पानी भर गया आंखों में। भाई तो बात भी नहीं कर रहा मुझसे, उस तरफ मुकर के बैठ गया भाई। रियांश को तो शौक लगा 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 शौक लगा हो गया, पागल हो गया है। तो ये तो समझ ही नहीं पा रहा, कहूँ क्या करूँ क्या, पनीर एक मिनट में हवा होगी, सिट्टी पिट्टी गुल होगी रियांश की। रो गया। अबे रो क्यों रहा है, कहीं और जाते रहे हैं। अबे क्यों रो रहा है भाई, पनीर दिला देंगे तुझे। भाई ये तो ऊपर देख ही नहीं रहा भाई, रियांश भाई सुन ही नहीं रहा हमारी, रो रहा है भाई। ओ भाई ये तो रोने लगा भाई, आंसू आ गए इसकी आंखों में। यार क्यों पागल बना दिया मेरे को, मेरे घर पे सोता मस्त। भाई इसको ये टेंशन हो रही है कि मम्मी के बिना कैसे रहेगा। अरे मैं हूं ना तेरी दूसरी मम्मी। भाई रियांश को ये दिक्कत है, इसे ना मम्मी के बिना नींद ही नहीं आती। तो भाई 2 दिन में तो इसकी हालत खराब हो जाएगी भाई, पतली हो जाएगी हालत। इसके लिए एक निप्पल लाना पड़ेगा सुलाने के लिए। भाई ये देखो हिना अंगूठा पी के सोता है। मुझे नहीं जाना, मुझे घर छोड़ के आओ। भाई अब तो बहुत दूर आ गए, अब तो आधा रास्ता पार कर लिया, अब नहीं जा सकते वापस। भाई हम तो बहुत दूर आ गए और रियांश को घर जाना है, पर भाई अब घर तो जा नहीं सकते। एक काम करते हैं, रियांश को नहीं छोड़ देते हैं, 3-4 भूत मिलेंगे उनसे लिफ्ट मांग लेगा, वैसे चला जाएगा। अरे दर्जा रास्ते ना, यही रात को भूत नहीं आएगी। अबे चला जा यार, रो रहा है यार तू, किडनैप करेगा हम तेरे को, रो रहा है जो। और यार रो रहा है, अब यार रो क्यों रहा है, सारे तो रोने लगा यार। अबे ये तो छोटा निब्बा है। गाइस रियांश बिगर मतलब के रो रहा है भाई, इसे घुमा के ला रहे हैं, पनीर खिला के ला रहे हैं, जब भी दिक्कत है भाई। अब पता कोई मना करेगा वहां जाने के लिए? नहीं पक्का। अबे भाई कैसा है, ऐसे कर रहा है छोटे निब्बा है वो, 5 साल का निब्बा है। भाई आपने कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा होगा जो 8-9 साल का हो रहा हो और भाई मम्मी के बिना नींद नहीं आती हो। ये देखो पीछे निब्बा भाई, तो बुरी तरह रोने लगा भाई, तो मान ही नहीं रहा। ये बोल रहा है अभी छोड़ गया मेरे को वापस। भाई अब तो ये 3-4 दिन बाद ही जाएगा, कोई चांस नहीं है इसका जाने का, अब तो मम्मी के बिना रहना पड़ेगा इसे। विशाल मैं तेरा फोन वोन तोड़ दूंगा ताले से सामने से। अरे यार क्यों फोड़ेगा यार, 2 दिन घूम ले हमारे साथ। तो भाई रियांश तो सीरियस हो गया, इसलिए इसे बता ही देते हैं चलो। इट्स अ प्रैंक भाई, ये प्रैंक हो गया आपके साथ। भाई मुंबई एक्सप्रेस वाला नया रास्ता बना है, जब वृंदावन गए थे ना तब भी यहीं से गए थे, तो इसे लगा कि वृंदावन ही जा रहे हैं हम, और फिर हमारा प्रैंक सफल हो गया। प्रैंक हो गया। कैसा लग रहा है प्रैंक, खतरनाक वाला, तेरे को पीटने का मन कर रहा है। भाई शुक्र मानो हमने इसे रियलिटी बता दी, नहीं तो भाई साहब ये खतरनाक रोने लगता और फिर कंट्रोल में नहीं आता, हमारे बाल खींचता पागल की तरह। भाई रियांश का गुस्सा ना बड़ा खतरनाक है भाई, कैसे करता है गुस्से में, तो गाइस फाइनली अभी पहुंच गए जहाँ पे प्रोग्राम है। भाई अब रियांश को सांस में सांस आई है, बहुत लेट हो गया, खाना वाना खत्म हो गया लगता है, शांति भी पड़ी है पूरी। मेरे तो पिछवाड़े सुन लोगे, खून जम गया इसका पीछे। भाई रियांश ना सच में डर गया था, इसे लगा हम कहीं और ले आए इसे, मैंने सोची सही में वृंदावन जा रहे हैं। ये देखो भाई पनीर के चक्कर में भाग गए सारे। ये देखो भाई रियांश आते ही जलेबी खाने लग गया, ले जलेबी खा ले एक हाथ, बहुत रोया भाई आज ये। खतरनाक प्रैंक करा
ये देखो ये हमारा भाई जिसको बेबी हुआ है भाई, ये पहला ऐसा बंदा है जो खुद बेबी है और उसको बेबी हो गया। विशाल तो भाई स्ट्रिक्ट टू द पॉइंट पनीर खाने लग गया। विशाल की भाई शुरू से आदत है, आते ही छोले लेता है, क्या छोले जैसा है भाई। रियांश मजे आ गए, अब तो माफ कर देगा। तो भाई फाइनली शायद तो खा रहा चावल छोले और रियांश तो पनीर में लग जाते ही। तो भाई ये सारे तो खाने पे लग गए, अभी मैं भी खा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई रियांश को खतरनाक मिर्च लग गई है, अभी पानी पिला के लाया हूँ इसे। भाई रियांश की प्लेट देखो कितने छोले रखे हुए हैं इसने, छोला बन जाएगा खुद ही। तो भाई देखो यहाँ पे कितने सारे बैलून लगे हुए हैं। ये देखो भाई रियांश हुक्का पी रहा है, हुक्के जैसी तो शक्ल है इसकी, धुआं नहीं निकल रहा पर इसमें मजा आ रही है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, इसमें तो चिल्लम भर गए, पिया ही नहीं जा रहा। ये देखो भाई रियांश ने बैलून उतार लिए, ये देखो रियांश से लड़ाई कर रहा है। ओ ओ ओ, ओ, ओ। हेडशॉट। ये देखो बैलून फोड़ने लग रहे हैं भाई, दो मिनट में सारे बैलून फोड़ दिए। रियांश सच बतियो, जब तेरे साथ हमने प्रैंक किया था तो तुझे कैसा लगा था? अजीब लग रहा था भाई, रियांश ना अपनी मम्मी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। अगर हम सच में तुझे ले जाते तू रोता हंसता? देखो जब तो रोने लग गया था, अब क्या कह रहा है, वो तो मेरी एक्टिंग थी। हम कोई पागल बैठे हैं। ये देखो भाई रियांश और शायद तो हुक्का पी रहे भाई बुड्ढों की तरह, आज बुड्ढों के साथ बैठ गए ना बुड्ढे ही बन गए। और इस हुक्के में ना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, खाली पानी पानी खींच रहे हैं। ये देखो छल्ले बना रहा है। भाई यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं दिखाने चाहिए बच्चों को। पापा जी एक दिन ना पानी से हम हुक्का बनाएंगे। ये देखो भाई रियांश और रियांश तो पता नहीं कहाँ से आइसक्रीम ले आए। ये देखो भाई बटर स्कॉच आइसक्रीम है, बहुत मस्त। ये देखो भाई दोबारा आइसक्रीम ले आए भर के। ये देखो रियांश जबरदस्ती खा रहा है इनकी में से। ओए अब इसको नहीं लेनी। ठीक है। ये देखो रियांश की हरकतें, बैलून उतारने लग गया। ये देखो जबरदस्ती फोड़ रहे हैं इन्हें, मत फोड़ भाई। अभी रियांश को ना खतरनाक डांट पड़ी है बैलून फोड़ने पे। भाई रियांश नहीं मानने वाला बिल्कुल, चौथी आइसक्रीम खा रहा है, आज गला खराब करवा के ही मानेगा। ये देखो भाई रियांश का डांस, रियांश चले अब घर। नहीं भाई रात के 10 बज गए और रियांश तो जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। ये देखो भाई 10 बज चुके हैं, 9 बज रहे हैं यार, आप क्या बात कर रहे हो भाई, रियांश को टाइम देखना ही नहीं आता। ये देख लो भाई 9 बज रहे हैं, 9:55 हो रहे हैं। यही तो कह रहा हूं मैं आपसे। तो गाइस अभी खा पी के आ चुके हैं और भाई रियांश तो अपने बड़े पापा के साथ भाग गया भाई, पार्टी बदल लिया रे। चलो तो भाई अभी काफी लेट हो गए, अभी जल्दी चलते हैं घर। तो चलो गाइस चलते हैं। चावे नोट गुलाबी मौज मारन को, मेरे यार लाल परी के शौकीन रे, कोते लाऊ तो पे नोट लुटाने को, तू पैसे वाला यार मांगे से, पैसे वाला यार मांगे से। तो गाइस प्रोग्राम में से घूम के आ गए घर और ये देखो भाई रियांश तो आते ही सो गया भाई, काफी लेट हो गए, 12 बजने वाले हैं और भाई रियांश को कल स्कूल भी जाना है, कल फंडे है, पढ़ाई में कुछ भी नहीं आएगा। बाकी भाई लेट होने की वजह से ना फरीदाबाद में झूले भी नहीं झूल पाए भाई, रात के 11 बज गए थे, 11 बजे आपको कोई झूले चला के दे रहा है, अगली बार जब जाएंगे तो पक्का झूल जाएंगे। बाकी होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग भाई, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर देना कल्याण के साथ, प्रैंक करके ना सब्सक्राइब कर देना आज के लिए।